नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। आरपीएफ के डिवीजनल कमांडेंट उमाकांत तिवारी ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों एवं जरूरतमंदों को खाद्यान्न वितरण करने वाले जीवनधारा फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति झांसी के सदस्य प्रदीप कुमार तिवारी, डॉक्टर नीति शास्त्री, देवेंद्र रावत एवं प्राचार्य डॉक्टर बाबूलाल तिवारी, सोम तिवारी, रेखा चौहान नई दिल्ली, संजीव यादव, दीपक राठौर, हेमेंद्र चौहान, आर के तिवारी, सलिल तिवारी, पंतनगर, अमन मदान, ओपी वैद, निलय जैन, डॉक्टर ए के सांवल, एस के दुबे, शालिनी गुरबख्शानी, महिमा जायसवाल, नीलम शर्मा, श्रीराम नरवरिया, ऊषा सचान, नरेंद्र पुरोहित, रोहित यादव, प्रभास खंडेलवाल आदि को कोरोना फाइटर के रूप में सम्मानित किया। इस दौरान आरपीएफ कमांडेंट तिवारी ने कहा, जीवनधारा फाउंडेशन के सभी सदस्यों ने कोविड-19 से फैली इस वैश्विक महामारी में लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। इन सभी को कोरोना फाइटर के रूप में सम्मानित करते हुए मुझे खुशी का अनुभव हो रहा है। जीवनधारा फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार तिवारी ने रेल सुरक्षा बल का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे सम्मान हम सभी के जीवन में नए उत्साह का संचार करेगा एवं भविष्य में हम सब किसी भी जिम्मेदारी के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स को उनकी कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए कोरोना सेनानी सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसमें कैडेट कुणाल गुप्ता, हेमंत चंद्र, पिंकी कुमारी, मोहनी यादव, अंजुल यादव, शिवम राजपूत आदि उपस्थित रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्यूरो रिपोर्ट।